नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सोशल टेक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको आज DSLR के मैनुअल मोड में फोटोग्राफी कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी तरीके से दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा देखेगा और ध्यान से देखेगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके कि DSLR में मैनुअल मोड में फोटोग्राफी कैसे करके करी जा सकती है। दोस्तों, इसमें मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल सिखाऊंगा मैनुअल मोड में फोटोग्राफी, आपको एक अच्छी फ़ोटो कैसे करके लेनी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, मेरे पास है निकॉन D5300 और इस पे आज मैं आपको मैनुअल मोड में फ़ोटोग्राफी कैसे करनी है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा और उसका पूरा ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि मैनुअल मोड में DSLR में फ़ोटोग्राफी किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसका ऑन करके देता हूँ, कैमरा मेरा ऑन है और मैं इसके साथ बेसिक किट लेंस यूज़ करता हूँ, 1855mm जूम लेंस है मेरा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका स्क्रीन मैंने ऑन किया है, और जैसे इसका स्क्रीन ऑन किया है तो यहाँ पे आप देखेंगे तीन सर्किल आ रहा है, पहला सर्किल है, दूसरा सर्किल ये है, तीसरा सर्किल ये है। पहले सर्किल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये पहला सर्किल जो है इसे शटर स्पीड कहते हैं। दोस्तों, ये हमारी शटर स्पीड है और निकॉन D5300 में जो है कैमरे का शटर स्पीड जो है मैक्सिमम, इसका शटर स्पीड जो है 1/4000 सेकेंड का होता है। इसका मतलब है कि एक सेकेंड के 4000वें हिस्से में ये आपको एक फ़ोटोग्राफ कैप्चर करके देता है। और इसका मिनिमम शटर स्पीड जो रहता है वो 1/30 सेकेंड का शटर स्पीड है मिनिमम का। तो इसका मतलब है दोस्तों कि अगर 30 सेकेंड के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट इसके सामने से गुजरेगा, कैमरे के लेंस के सामने से, उसको जो है ये कैप्चर कर लेगा। शटर स्पीड का एक कम और ज़्यादा का फ़र्क ये भी पड़ता है कि अगर शटर स्पीड आपका कम है, 30 सेकेंड का है, तो उसमें जो है कैमरे के लेंस पर लाइट जो है आपकी 30 सेकेंड तक पड़ती रहेगी, जिससे जो है लाइट आपके कैमरे में ज़्यादा आती है। और अगर हम 1/4000 सेकेंड रखते हैं, 1/25000, 2500 रखते हैं, 1/1000 रखते हैं, तो लाइट हमारी उतनी ही कम आती है कैमरे में। तो इसके लिए जो है ये हो गया हमारा शटर स्पीड, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा आप सर्कल जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है एपरेचर का। एपरेचर का मेन पर्पज़ होता है दोस्तों कि कैमरे के अंदर कितनी लाइट आ रही है वो। तो यहाँ पे समय आप देख रहे हैं एपरेचर 5.6 है, और इसमें जो आपको वाइट सर्किल इसका बीच का दिख रहा है, ये इसका एपरेचर है। मैं आपको कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ एक बार, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। ये इसका लेंस है कैमरे का, और इस लेंस को आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो आपको बीच में इसके सर्कल नज़र आ रहा होगा। ये जो सर्कल है ये इसका एपरेचर है दोस्तों। जितना हम इसको एफ नंबर बढ़ाते जाएंगे, ये एपरेचर उतना छोटा होता जाएगा, इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, मतलब लाइट उतनी कम इसके अंदर जाएगी। और जितना एफ नंबर हम कम करते जाएंगे, ये सर्कल उतना बड़ा होता जाएगा, इसका मतलब लाइट उतनी ज़्यादा इस कैमरे के अंदर चलती जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि F5.6 है, तो अगर हमें से एफ नंबर को कम करना है, तो यहाँ पे आगे एक प्लस माइनस का साइन दिया रहता है कैमरे में। ये आप देखेंगे, ये प्लस माइनस का साइन है, इसको हम प्रेस करके रखेंगे, और इसका जो रोटेटिंग डायल है, इस रोटेटिंग डायल को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये प्रेस किया मैंने, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका एफ नंबर बढ़ता जाएगा और एपरेचर का साइज़ छोटा होता जाएगा, मतलब लाइट इसके अंदर उतनी कम होती जाएगी। और जैसे जैसे हम इस रोटेटिंग डायल को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, तो यहाँ पे जो है इसका एफ नंबर घटता जाएगा और एपरेचर का साइज़ बढ़ता जाएगा, इससे इसकी लाइट इसके अंदर बढ़ती जाएगी। यहाँ पर देखेंगे 3.5 इसका मैक्सिमम लाइट इसके अंदर आ रही है 3.5 पे, और मैक्सिमम अगर हम एफ नंबर मैक्सिमम करेंगे, तो इसका एफ नंबर मैक्सिमम जाता है 22 पे। तो इसका सबसे छोटा एपरेचर जो है F22 है, इस समय इसकी लाइट सबसे कम आ रही है। दोस्तों, तीसरा सर्किल आप जो देख रहे हैं, ये ISO होता है लाइट सेंसिविटी का। दोस्तों, लाइट सेंसिविटी के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप लाइट सेंसिविटी जितना कम रखेंगे, उतना फ़ोटो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि लाइट सेंसिविटी ज़्यादा करने से क्या होता है कि आपके फ़ोटो में नॉइस ज़्यादा आ जाता है। नॉइस क्या होता है, यह मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि नॉइस क्या होता है, इसका फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है, क्या पर्पज़ होता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप ISO कम से कम रखिएगा और फ़ोटो को उस हिसाब से बैलेंस कीजिएगा कि आपकी कम ISO में आपका फ़ोटो बैलेंस आ जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, आप नीचे देखिए, यहाँ पर जो है मीटर है, यहाँ पर इसका निगेटिव साइड है और यहाँ पे पॉजिटिव साइड है, प्लस का साइन है, माइनस का साइन है। तो इस समय आप देखेंगे मीटर जो है माइनस के साइन की तरफ पूरा खिंचा हुआ है, मतलब इस समय अगर हम इसमें कोई भी इमेज लेंगे इस सेटिंग पे, तो इमेज हमारी डार्क आएगी। तो इस इमेज को हमें परफेक्ट इमेज करने के लिए इस मीटर को हमें 0 पे रखना होगा।
तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक परफेक्ट इमेज आपको इसमें कैसे लेनी है। तो जो मीटर आप इस समय अभी देख रहे हैं ये नेगेटिव साइड की तरफ है, यहाँ पे इसको हमें ज़ीरो पे लेके आना है। तो ज़ीरो पे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला जिसका आप शटर स्पीड देख रहे हैं 1/800 है, इस शटर स्पीड को हम कम कर सकते हैं, तो इसका लाइट इसके अंदर ज़्यादा आएगी और ये हमारा इस तरफ आ सकता है। तो पहले शटर स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं हम लोग। चलिए शटर स्पीड को हम कम करके देख लेते हैं। ये शटर स्पीड मैंने कम करिया, जैसे ही 100 देखिए अभी ये पूरा जीरो पे आ गया है, 1/40 पे आ गया है और F22 इसका अपर्चर है, ISO 1000 है और ये समय एकदम ज़ीरो पे है। तो इस सेटिंग इसकी परफेक्ट है समय एक फ़ोटोग्राफ लेने के लिए। तो मैं आपको इस सेटिंग पे इसका एक फ़ोटोग्राफ लेके दिखाता हूँ कि इसका एक फ़ोटोग्राफ कैसे आएगा। ये देखिए दोस्तों ये एकदम परफेक्ट फोटोग्राफ आया है, ना तो ये ज़्यादा डार्क है और ना ही ज़्यादा ब्राइट में है। अब दोस्तों मैं एक दूसरी सेटिंग पे इसका आपको एक अच्छा फ़ोटोग्राफ लेके दिखाऊंगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें शटर स्पीड 1/40 की है, लेकिन ये शटर स्पीड जो है काफ़ी स्लो है। आप देख रहे हैं मेरा कैमरा जो है इस समय DSLR जो एक ट्राईपॉड पे कनेक्ट हुआ है, आपको यहाँ से दूर करके दिखाता हूँ तो आपको पता लगेगा। ये कैमरा जो मेरे गोरिल्ला ट्राईपॉड पे है, ट्राईपॉड मैं यूज़ कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि अगर कैमरे को मैं DSLR को हाथ से फोटोग्राफी करता हूँ, स्लो शटर स्पीड हमारी स्लो रहती है तो हमारा फ़ोटो जो है परफेक्ट नहीं आएगा, फ़ोटो ब्लर हो सकता है कैमरा हिलने की वजह से। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर हमारी शटर स्पीड स्लो है तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है कैमरा का स्टैंड परचेज कर लीजिएगा, DSLR का स्टैंड बाई कर लीजिएगा ट्राईपॉड, तो वो आपके लिए एक अच्छा फ़ोटोग्राफी खींच के आपको देगा। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि अभी आप इसको मैं इसका शटर स्पीड आपको 40 है, तो इसका मतलब है कि 1/40 में लाइट इसके अंदर आएगी, उसके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो इसका फ़ोटोग्राफ परचेज कर क्लिक कर लेगा। अभी मैं इसकी शटर स्पीड बढ़ा देता हूँ, अभी मैंने इसकी शटर स्पीड बढ़ा दी है, 200 कर दी है, चलिए 200 कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे इसका मीटर फिर से नेगेटिव की तरफ चला गया है, तो इसके लिए अब मेरे को इसको जीरो प्लान के लिए दूसरा चीज़ क्या है, मैं इसका अपर्चर इसका बढ़ा सकता हूँ। F22 में अपर्चर इसका लाइट कम आ रहा है, तो इसके लिए अंदर लाइट ज़्यादा करने के लिए इसका F नंबर मेरे को कम करना होगा। तो ये प्लस माइनस का साइन मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ और इस F नंबर को यहाँ पे कम करते जाते हैं, एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे, अपर्चर बढ़ता जाएगा। ये देखिए अब F10 किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका ज़ीरो पर आ गया है। अब मैं यहाँ पर आपको इसका एक फ़ोटोग्राफ लेके दिखाता हूँ इस सेटिंग पर। तो दोस्तों ये इस सेटिंग पे इसका एक फ़ोटोग्राफ आया है सामने, वो दूसरी सेटिंग पे था और ये दूसरी सेटिंग पे था, उसमें शटर स्पीड 1/40 की थी, ये 1/200 में आपकी शटर स्पीड पे मैंने आपको फ़ोटो लेके दिखाया। दोस्तों ISO आपकी 1000 ही थी पहले भी और अब बाद में भी, तो ISO आप अगर लाइट की कंडीशन अच्छी है तो आप ISO को 200 से 250 के बीच में रखिएगा, और अगर धूप है अच्छी खासी तो आपका 100 ISO पे भी काम चल जाएगा। तो ISO आप कम से कम रखेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा फ़ोटो क्लिक होगा कोई भी। दोस्तों ये इसका मैनुअल फ़ोटो ट्यूटोरियल था, मैनुअल मोड में किसी भी DSLR निकॉन के में आप ये मैनुअल मोड यूज़ कर सकते हैं और यही ट्यूटोरियल सेम रहेगा। 3000 सीरीज है, 5000 सीरीज है एंड 7000 सीरीज या निकॉन का कोई भी DSLR है तो उसमें मैनुअल मोड का यही ट्यूटोरियल है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल साबित हुआ हो, आपके लिए अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो भी आप तक पहुँचते रहें, और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।